It was a pleasure to hear some of the insightful details given by Mr. Ravishankar ji. और जो यूथ हैं उनके भी मैं क्वेश्चंस, उनकी भी क्यूरियोसिटी को मैं समझ सकता हूं. आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया से आए हैं तो कोई ना कोई ऐसी डिटेल्स उस बढ़ते हुए इकोनॉमी की मैं आप सबके सामने रखूं कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के रूप में नेपाल भी अपनी जगह बना सके. कई विषय, कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपने यहां पर रखे हैं और मेरा नेपाल से एक बहुत पुराना संबंध है. लाइक अ जेंटलमैन सेड दैट ही हैज मेनी फ्रेंड्स इन इंडिया, ही स्टडीड इन इंडिया. इनफैक्ट व्हेन आई वाज आल्सो इन स्कूल many of my friends, they are still in Nepal. Some of them are in Nepalganj, some of them are in Bhairwa, some of them in Viratnagar. तो वो connection मेरा भी इस नेपाल से है. हमारा एक दूसरे की साझेदारी, interdependence हमारी social है, economic है, cultural है और हम लोगों की एक religious affinity है आपस की. हम एक दूसरे से linguistic, ethnic और कल्चर आइडेंटिटीज हमारी जुड़ी हुई हैं. जब हम वहां काशी विश्वनाथ में अगर सर झुकाते हैं तो 90 डिग्री पर हमारे पशुपतिनाथ के मंदिर में जो भगवान स्थापित है उनके चरणों में भी हमारा सर झुकता है. उस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं. अभी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब एग्जीबिशन उसमें हुआ तो वहां से एक स्टैंप मिला. उस स्टैंप में भगवान शिव थे और उसके चारों तरफ पशु थे तो यह माना गया कि यह पशुपतिनाथ का स्टैंप है. तो उस इंडिया नहीं, मैं उस ग्रेटर इंडिया की बात कर रहा हूं जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट. उस समय भी हमारा आपसे उसी प्रकार का जुड़ाव रहा था. मैं देखता हूं कि आज इंडिया और नेपाल हम ब्रदर ही एक दूसरे के बने. कोई बिग ब्रदर ना हो और कोई छोटा ब्रदर ना हो, हम एक दूसरे के साथ चलें. और जिस बारे में रविशंकर जी ने कहा है कि कई ट्रेड एग्रीमेंट्स, मैं कुछ डेटा लेकर आया. जो बायलेटरल ट्रेड ट्रीटी है जो साइन हुई 97 में, फिर रिवाइज हुई 91 में, 93, 96, 2002 एंड 2009, अंडर विच इंडिया नेपाल ऑफर टैरिफ एंड अदर ड्यूटी कंसेशंस ऑन प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम ईच अदर्स टेरिटरी. इंडिया और हमारा नेपाल का हमारा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड और कॉमर्शियल रिलेशंस तो है ही. इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इट्स इंपोर्ट्स एंड द टॉप इन्वेस्टर ऑफ फॉरेन कैपिटल स्टॉक. हम एक दूसरे पर बहुत कुछ डिपेंडेंट हैं और इंडियन फर्म्स आर स्टिल द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन नेपाल. ये जो डेटा मेरे पास 2019 का है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 30% ऑफ टोटल अप्रूव्ड एफडीआई जो है वो हमारे इंडियन फर्म्स के माध्यम से आते हैं. कुछ बातें जो रविशंकर जी ने कही ये बात सही है कि ओवर टाइम जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ट हुआ है और वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंडियन रेपुटेशन ऑफ डिलेइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी जो हमारे कुछ हुए हैं. मैं नहीं जानता हूं वो किन कारणों से हुए हैं, उसके क्या पॉलिटिकल एंगल्स रहे हो, क्या उसके पॉलिटिकल कंपल्शंस लोगों के रहे हैं उसको करने के लिए, पर हमारा कभी नेपाल से कभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कभी नहीं रहे. कभी चाइना से लद्दाख को लेकर रहा हो, पाकिस्तान से लेकर रहा हो, पर नेपाल से कभी नहीं था.
बहुत प्रॉपरली डिमार्केटेड था कि ये पोर्शन इंडिया का है, ये पोर्शन नेपाल का है, पर एकाएक ये सारी खाइयां बननी चालू हुई, फिर काला पानी की भी बात आई, लिपु लेक की भी बात आई। मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस के लिए ट्रस्ट का बिल्डअप होना पहले जरूरी है। और आज मैं देखता हूं कि जो एक भावना यहां पर पैदा हो रही है वो ये कि जो बायलैटरल ट्रीटी साइन हुई थी उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पावर्स को नहीं किया गया है, वो सारे भी इश्यूज एड्रेस किए जाने चाहिए। और मैं भी जहां पर जो भी रविशंकर जी ने बात कही है, इफ आई विल बी आल्सो कैन बी अ मीडियम टू पुट इट ऑन अ राइट प्लेटफॉर्म, आई विल डेफिनेटली डू इट। और मुझे लगता है जो 22 सितंबर को ये जो मीटिंग होने जा रही है, एक जॉइंट बिजनेस फोरम होगा जहां पर प्राइवेट एंटिटीज ऑफ बोथ द कंट्रीज विल सिट टुगेदर, मुझे लगता है एक नई शुरुआत हो रही है। यहां से केवल टूरिज्म इंडस्ट्री को नहीं, क्लीन एनर्जी में, मेडिकल में, मेडिसिन में, और तो और मुझे लगता है कि कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की भी संभावनाएं यहां पर नेपाल में हैं, जिसको हम दोनों कंट्रीज बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर दो तीन विषय कहने वाली बात है कि ट्रेड करने के लिए चाहिए कि हमारी कनेक्टिविटी बेटर हो। वो कनेक्टिविटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज्म की इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि इफ यू कंपेयर टू द अनदर कंट्रीज, जो हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो आपसे किसी भी तुलना में, अगर इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, इट्स क्वाइट बेटर। आप जो हमारी तीन तरफ से नेपाल के तीन साइड से इंडिया के बॉर्डर्स पड़ते हैं, करीबन ये 1800 किलोमीटर्स का ये पूरा पड़ता है, और हमारे अंदर बीच में इतना साझा है, हम एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट रहा है पहले के वर्षों में कि कभी भी वहां पर उस प्रकार के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं जहां दो देशों के बीच में हुआ करते हैं। लोगों की आवाजाही इस प्रकार से होती थी कि जैसे वो एक देश से दूसरे देश नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हों। और ट्रेड करना हमेशा आसान होता है क्योंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन यह है कि आप हिमालय की तलहटी पर हैं और हम हिमालय के मैदान में हैं। और जो आज कहते हैं कि दे कैन बी अ गुड पार्टनर टू द नेपाल, मैं समझता हूं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, बट जब इस पूरे विश्व वर्ल्ड ने सबसे बड़े पेंडेमिक को देखा, उस पेंडेमिक में भी ये कहा गया कि दो वैक्सीन्स बनकर हम जहां से ये पूरा वर्ल्ड कहता था कि वो पेंडेमिक हैज स्टार्टेड, वो कहते थे कि हमने वैक्सीन बना ली है इसी पेंडेमिक से लड़ने के लिए, आज तक तो वो वैक्सीन आई नहीं, बट इंडिया इट केम अप विथ टू वैक्सीन्स विच इज अप्रूव्ड बाय द WHO ऑल्सो। और आज इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़कर इट्स अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मैं भी यहां पर हूं तो इसके लिए कि आज हम जब एक नई कहानी लिख रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट अ न्यू स्टोरी, नेपाल शुड बी ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ अस, वी शुड मूव टुगेदर फॉरवर्ड। उसमें यूथ की भूमिका बहुत है। मैं यूथ को हमारे यहां कहते हैं युवा, तो युवा को मैं कहता हूं यू का युग होता है और वा का वाहक होता है, हम नए युग के वाहक हैं। हमें उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करना होगा, आगे एक साथ मूव फॉरवर्ड करना होगा एक न्यू आउटलुक के साथ। देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइंग इन नेपाल एज वेल एज इंडिया, हम उसको मिलकर एक्सप्लोर करें, टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। आप सबके लिए भी जैसे प्रश्न आया कि स्किल के संदर्भ में, उन्होंने पूछा कि स्किल के क्षेत्र में आज इंडियन गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने के लिए, नए नए स्टार्टअप्स को लाने के लिए 30 मिनट्स के अंदर
आपको आरओसी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वेबसाइट पर जाइए, अपनी नई कंपनी को रजिस्टर करिए और आरओसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। कई प्रकार के स्टार्टअप्स को सब्सिडी दी जाती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को 40 मिनट्स के अंदर लोन देने का काम हो रहा है, और तो और फिकी जैसे प्लेटफॉर्म को, जैसे हमारे स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज के लोगों थे, तो हमने उनका अमेजोन के साथ, अमेजोन के कि वो एक वाइड मार्केट के साथ उनका इंट्रोडक्शन हो सके, हमने उनको अमेजोन के साथ मिलाने का काम किया और आज उनको एक बड़े मार्केट में हमने पूरा उनका इंट्रोडक्शन कराने का, अमेजॉन कारीगर नाम से स्टार्ट हुआ, तो ई कॉमर्स से हमने उनको जोड़ा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को हमने, सरकार ने स्ट्रेंथन करने के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तमाम तरह के एक्टिविटीज को, तमाम तरह के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट ने काम किया है। और यही कारण है कि आज धीरे धीरे एफएमसीजी सेक्टर में भी इंडिया इज नॉट रिलाइंग ओनली ऑन द चाइनीज गुड्स, वी आर सेल्फ आत्मनिर्भर, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। और हमारे प्रधानमंत्री के भी विजन में नेपाल वॉज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, दैट्स वाई व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ही डिड नॉट वेंट टू एनी ऑफ द पावर हाउसेज ऑफ दिस वर्ल्ड, ही डिड नॉट वेंट टू यूएसए और यूएसएस और रशिया और एनीवेयर, ही वेंट टू भूटान एंड नेपाल, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पड़ोसी है अगर वो अगर अच्छा होता है, क्योंकि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कांट चेंज आवर नेवर, सो हमारा एक दूसरे से अच्छा संबंध हो। और ट्रेड और कॉमर्स के लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो ये होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो, हम उस नए ट्रस्ट को 21st सेंचुरी में हम बनाने का काम करें। इसी के लिए मैं चाह रहा था कि नरेश जी ने अभी यह कहा, तो मैं आप सब से, यू ऑल आर यंग एंटरप्रेन्योर्स, आप सब भी इस क्षेत्र में आगे आ सकते हैं और हम भी पूरी तरह से, इंडिया का मार्केट ओपन है आपके लिए, आप एक डेलीगेशन यंग एंटरप्रेन्योर्स का मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आई एम हेडिंग दैट पर्टिकुलर चेयर ऑफ फिकी, सो मैं वहां पर कोशिश करूंगा कि एक हो और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो यूपी गवर्नमेंट चला रही है, उसका भी पार्ट आप बने और उसमें कैसे आपकी भी भूमिका तय हो सकती है, मैं उसका भी प्रयास करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं नरेश श्रेष्ठा जी को भी बहुत बहुत पुनः थैंक यू कहता हूं और मिस्टर रविशंकर जी एंड ऑल ऑफ यू यूथ्स, यू केम ऑल द वे टू लिसन मी, यू ऑल आर एलीट, थैंक यू फॉर सेक्रीफाइसिंग योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।